हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करिश्माज मैजिक। आज मैं आपको 7 दिनों की घर के मलाई से घी निकालना और बची हुई चीज़ों से 2 प्रकार की मिठाइयाँ, छेने के रसगुल्ले और मावे की मिठाई बनाना बताऊंगी। यदि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 बड़े कटोरे मलाई का। यहाँ मैंने 7 दिनों की मलाई ली है। ये फुल क्रीम मिल्क से निकाली हुई मलाई है। इसे मैंने डायरेक्ट एक बर्तन में स्टोर किया है। इसे स्टोर करने के लिए मैंने इसमें दही का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब इसे एक बड़े और गहरे बर्तन में डाल देंगे और थोड़ा चम्मच से घुमा देंगे। अब इसमें हम लगभग 2 ग्लास एकदम ठंडा पानी डालेंगे। ध्यान रखना है, इसमें फ्रिज का ठंडा पानी ही यूज़ करना है। अब कुछ आइस क्यूब्स भी ऐड कर देंगे जिससे इसमें ठंडापन बना रहे। इसे फेंटने के लिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो चम्मच, मथनी या मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि मलाई पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा दिनों तक मलाई को स्टोर करते हैं तो कई बार वो खट्टी हो जाती है और उसमें स्मेल आने लगती है, और फिर ऐसी मलाई से निकले पनीर का स्वाद भी ख़राब हो जाता है। 2 मिनट बीट करने के बाद आप देखेंगे कि मलाई गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर जल्द ही मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग। हमेशा कोशिश करिए कि आप घर के बनाई हुई शुद्ध देसी घी का ही उपयोग करें। बाजार से लाया हुआ घी अक्सर नकली और केमिकल से भरा हुआ होता है। आप देख रहे हैं मक्खन के दाने दिख रहे हैं। मलाई से मक्खन अच्छे से निकल गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इसे छानने के लिए हम एक बड़े स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे और उसके नीचे एक बर्तन रखेंगे। इसे छानने से मक्खन और मिल्क अलग अलग हो जाएंगे और बाद में इसी मिल्क का यूज़ हम छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए करेंगे। अब मक्खन को अच्छे से दबाकर बचा हुआ मिल्क भी निकाल लेंगे। और इसे कढ़ाई में पलट देंगे जिसमें हमें घी निकालना है। इस मक्खन को थोड़ा और दबाकर बाकी बचा हुआ मिल्क भी निकाल लेंगे। मक्खन को फ्लेम पर रखने के पहले इसे मैंने फिर से 1 मिनट के लिए फेंट लिया है। इससे मक्खन बहुत ही फ्लफी हो गया है। आप देख रहे हैं ये कितना फ्लफी दिख रहा है। ऐसा करने से घी बहुत जल्दी निकल जाता है। ध्यान रखना है फ्लेम को लो मीडियम पर ही रखना है, नहीं तो मक्खन उफन कर नीचे गिरने लगेगा। चम्मच को लगातार घुमाते रहना है, नहीं तो मक्खन कढ़ाई की तली में चिपकने लगेगा। आप देख रहे हैं कढ़ाई की साइड में मक्खन ज़्यादा चिपक नहीं रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमने मलाई को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। आप देख सकते हैं मक्खन उबल रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। जल्दी मक्खन से घी और मावा अलग अलग हो जाएंगे और इस स्टेज पर जो मावा निकल कर आया है वो कढ़ाई की तली में बैठने लगेगा और धीरे धीरे उनका कलर वाइट से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। 5 मिनट में घी पूरी तरह से निकल आएगा। अब इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। ध्यान रखिएगा इसे बारीक छन्नी से ही छानना है, नहीं तो इसमें बचे हुए मावे के महीन दाने जो हैं वो आ जाएंगे और वो नहीं आने चाहिए। यदि आप घी को लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इन दानों की वजह से घी खराब हो सकता है। घी का टेम्परेचर थोड़ा कम होने के बाद मैंने इसे फिर से अच्छे से छानकर एक बाउल में निकाल लिया है, और जो ये मावा है जिसे हम घी की खुरचन भी कहते हैं इसे भी 1 कटोरे में निकाल लिया है। ये देखिए हमारा घर का शुद्ध घी निकल के आ गया है। अब हम छेने के रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये वही दूध है जो मक्खन निकालने के बाद बचा था। जैसे ही मिल्क बॉईल हो जाता है इसमें हम 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो विनेगर या साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं।
अब दूध फट गया है, इसे हम छन्नी में एक कपड़ा लगाकर छान लेंगे। सबसे पहले इसका गर्म पानी बाहर निकालना जरूरी है। फिर इसे एकदम ठंडा पानी डालकर ठंडा करेंगे। यदि ये पनीर ठंडा नहीं हुआ तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसे ठंडा करना है। फिर कपड़े को निचोड़ कर सारा पानी निकाल देंगे। यदि आप पनीर बनाना चाहते हैं तो इस पोटली के ऊपर कोई भी भारी सामान रख दीजिए, एक दो घंटे में एकदम सॉफ्ट पनीर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ इसके रसगुल्ले बना रही हूँ, तो इसे हम कपड़े से निकालकर एक प्लेट में डालेंगे। अब इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसे इतना मसलना है कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। कभी कभार रसगुल्ले की बॉल अच्छे से नहीं बनती, बॉल टूटने लगती हैं, तो इस टाइम पर आप इसके छेने में आधा चम्मच मैदा या मिल्क पाउडर डाल दें, फिर रसगुल्ले की बॉल टूटेंगी नहीं। अब रसगुल्ले की बॉल बना लेंगे। मेरे रसगुल्ले की बॉल आसानी से बन रही हैं, तो मैंने यहाँ मिल्क पाउडर या मैदे का यूज नहीं किया है। देखिए, इससे हमारी 10 बॉल बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम उबलती हुई चाशनी में डालेंगे और ढक देंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी में 1 कटोरी शक्कर ली है। रसगुल्ले की बॉल का साइज छोटा ही रखना है, क्योंकि चाशनी में उबलने से इसका साइज लगभग डबल हो जाएगा। रसगुल्ले को एक बार हल्के हाथों से पलट देंगे और फिर ढककर उबालेंगे। दस मिनट बाद हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। ये देखिए, ये कहीं से भी फटे नहीं है, ये एकदम चिकने हैं और कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। और अब इस बची हुई घी की खुरचन या मावा से मैंने बेसन मावा की मिठाई बना ली है। यदि आप इसकी रेसिपी का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।